हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं नवरित गेमिंग लाइव। यह है रेंज सिमुलेटर का एपिसोड 21। आज के एपिसोड में बहुत कुछ खास करने में जा रहा हूं, पहली बार रेंज सिमुलेटर में। और उससे पहले हमको थोड़े बहुत जो काम होते हैं हमारे रेंज में हमेशा की तरह वो निपटाते हैं, तो वो पहले काम हम लोग करते हैं। और बाकी तो जैसे कि मैं हर वीडियो बता रहा हूँ इसलिए ताकि मेरे जल्दी से 100 के सब्सक्राइब हो जाए, कि 1 तारीख को मेरा बर्थडे आने वाला है, 1 अक्टूबर को, गांधी जी से 1 दिन पहले। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप लोग कर लेना, क्योंकि मुझे पता है यार ऑडियंस है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते ये पता नहीं, तो आप लोग कर लेना सब्सक्राइब। तब तक मैं चाहता हूँ कि मेरे 100 के हो जाएँ और उसके बाद से हम लोग कुछ खतरनाक करेंगे यहाँ पर रेंज सिमुलेटर में, ठीक है। उसके बाद आज मुझे देख के भी आता हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और हाँ अच्छा ठीक है यहाँ पर मैंने 2 ऐसी आइटम रखे हुए, मुझे पता नहीं था मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम पे शायद मैंने कुछ करा था, ये करा था शायद, जो मैंने उसको एग और अलग रेसिपी बनाई थी, मतलब मैंने एग भी उसमें मिलाया था और एग के साथ साथ मिल्क भी मिलाया था। तो मुझे देखना है कि वो इसको बोलते क्या है, बोलता तो खैर सेम चीज़ ही है बट मुझे देखना है कि उसका प्राइस क्या था। तो पहले ना इनको भर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर मिल्क इसमें और है, मैं इसमें और ऐड कर लेता हूँ, सिर्फ मिल्क ऐड कर रहा हूँ और बाकी इसको लगा देते हैं कहीं पर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैंने लास्ट टाइम पे भी किया था, तो अभी हमारे पास मिल्क बचा हुआ है, अभी और काम आ जाएगा। अच्छा काम क्या करने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि देखो आज मैंने अभी तक जब भी मैं हॉर्स बाई करता हूँ ना, मैं हमेशा बेस्ट बाई करने की कोशिश करता हूँ, सभी लोग करते हैं। तो आज मैं इस रेंज सिमुलेटर की जितना भी वर्स्ट घोड़ा होगा, जितने उसके स्टैट्स एकदम ख़त्म हिसाब किताब होगा वो बाई करूँगा, उसको अच्छे से फुली ट्रेन करूँगा और फिर देखते हैं कि उसके स्टैट्स क्या होते हैं और क्या मतलब फ़र्क पता चलता है कि भाई एक अमेरिका की मेरे पास सबसे बेस्ट घोड़ा भी है, ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट, आप 98-99% कह सकते हैं उसको, क्योंकि सिर्फ उसका एक बार काम है वो भी हेल्थ वाला, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। तो मैं देखता हूँ कि मुझे देखना है कि स्पीड का क्या फ़र्क पड़ता है, कितना स्पीड में फ़र्क पड़ता है दोनों घोड़ों के। तो ये वाला मेरा हो चुका है, इसको कर देते हैं बंद, यहाँ पक्का कुछ नहीं है ना, ठीक है इन दोनों को बंद कर देते हैं और उसके बाद से सारा एक बार निकाल लेता हूँ। यहाँ पे बहुत दिन से पड़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि आजकल मैं देखो जब स्टार्टिंग में होता है ना तो एक एक अंडा लेके भी मैं चले जाता हूँ जेब में रख के। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा सामान है, तो अच्छा ये तो अभी हुआ है। हाँ ये 2 चीज़ें जो खास है एकदम, मेरे को बहुत ध्यान से वहाँ पर सेल करना पड़ेगा, इनका प्राइस मुझे देखना है कि कितना होने वाला है। और हमेशा क्या होता है कि ना मैं एक एक चीज़ें बेचने चले जाता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसा है $44,492। तो इतना पैसा होने के बाद भी, जबकि मैंने बहुत उड़ा दिया, बहुत मैंने खर्च भी करे और बहुत सारा मेरे को नुकसान भी हुआ घोड़ों की वजह से, तो वो घोड़ा 11,000 के अराउंड मैंने बाई किया था और 14,000 के अराउंड बिक रहा था, तो ये लॉस समझ लो। उसके अलावा बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ऐसा कोई लॉस वॉस हुआ नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा अब मैं सोच रहा हूँ कि यार काम भी करते रहो, मतलब ऐसा ना हो कि ये जो सेव किए हुए पैसे हैं ना कभी भी उड़ सकते हैं। और मैंने ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि यार 1 लाख सब्सक्राइबर होने तक हम लोग कुछ मतलब एक बड़ा मतलब हो सकता है $1,00,000 यहाँ पर जमा कर लें, हो सकता है कि कर सकते हैं, इतना बड़ा अमाउंट है नहीं, क्योंकि ये तब हुआ था, वैसे टाइम लगता है, ये तब हुआ था ना जब मेरे पास, आप लोगों ने देखा होगा मेरा ये पूरा रेंज सिमुलेटर का गेम हैंग करने लग गया था, इतनी सारी चिकन्स थी मेरे पास और इतना सारा मेरे पास जो पिग्स वगैरह थे वो भर गया था पूरा, तो वो होने वाला, लेकिन तब तक दोबारा से वही होने वाला है, तो फिर से हमारे पास पैसे हो जाएंगे और हम लोग फिर बेच के, और वैसे भी कुछ मतलब मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा, अगर मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं कर लूँगा किसी भी तरह। तो अभी इनको भरते हैं पहले यहाँ से फटाफट से, 2 तो भर गए, 4 मुझे लगता है कि भर जाएंगे, तो 5 भरेंगे पक्का, देखना मेरा, देखता हूँ कि मेरा काम कितना आता है मेरा, एक जो मैंने हिसाब लगाया कि 5 मेरे कूलर और भरेंगे, तो देखता हूँ मुझे लगता है 5 से भी ज़्यादा 5 तो आराम से भर जाएंगे, बट देखते हैं कि कितना, मतलब 3 ये 2 ऑलरेडी भर चुके हैं, 3 ये इनको भरते हैं एक बार, ठीक है। तो ये भर चुके हैं, मतलब बहुत जल्दी भर जाते हैं, 12 ही आते हैं ना एक में, तो 5 से ज़्यादा पक्का भरेंगे। हाँ यार 6 तो नहीं भर पाएंगे बट 5.5 कह लो, 5.5 भर सकते हैं आराम से बिल्कुल भी। तो अरे सिर्फ 2 बचे, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हुआ, देखो 12 12 12, अरे वाह कितना सही, मैंने अनुमान लगाया कि भाई इतना होंगे और इतना ही हुआ, तो ये एक्सपीरियंस है देख देख के सामान बेच बेच के मिल चुका है। तो अभी मेरे को ना इसमें सबसे पहले जो एक्साइटमेंट है, दही तो मैंने बेच के देख लिया, दही के कोई ज़्यादा मोल भाव हमको मिल नहीं रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई अभी तक की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते बट सबसे ज़्यादा लेंदी एक जो रेसिपी थी ना वो मैंने तैयार की। सबसे पहले ना मुझे यहाँ से कूलर भी लेके जाना है, इनको हम लोग भरेंगे गाड़ी में और यहाँ से मुझे कूलर भर के जाना है, क्योंकि मेरा जो चीज़ है मैंने बना के रखा हुआ था वो रेडी होने को है, तो उसको देखेंगे, उसको बेच के आएंगे, फिर हम लोग घोड़ा लेने आएंगे। अच्छा ये रेडी होने को है ना, देखो इतना रेडी हो चुका है, थोड़ा सा मैंने अभी बनाया गेम स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के बाद, पहले कैसे हो सकता है, स्टार्ट करने के बाद करा मैंने,
ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मिल्क नहीं, तो ये मिल्क के बकेट को भी लेके जाते हैं। और आज सुबह मैंने दूध नहीं लगाया, अब जाके मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ, मतलब मैं पूरा, देखो फायदा क्या है कि अगर मैंने काऊ पाल ली और मैं दूध लगा ही नहीं रहा हूँ, तो दूध मेरे को लगाना है दो के दो टाइम, सुबह शाम वही काम करना है। तो सिंपल सा तरीका मेरा जो पहले मैं करता था वही, कि भाई दो पहले सेम कलर के काऊ का दूध लगाओ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। छह मेरे पास काऊ है, तो ऐसा ना हो कि जिसका मैंने लगा लिया दोबारा उसी के पास जा रहा हूँ और लात वात मेरे को मार रही है, तो इस चीज़ का ध्यान। अभी अरे इतना ही दूध दे रही क्या, खाना तो घुपका रही है। और यार हॉर्स की डाइट बहुत कम है, देखो एक का मैंने व्हाइट का लगा दिया, अब दोबारा से व्हाइट का लगाऊंगा, तो कोई कन्फ्यूजन होता ही नहीं है। फटाफट से दूध लगाता हूँ, उसके बाद से हम लोग कूलर में सामान भर के यहाँ से निकलेंगे। पूरा हो चुका है दूध वगैरह, दूध निकालने का काम हमारा 41 हुआ। एक किसी ने कम दिया या फिर मैंने कम निकाला एक का दूध, कोई बात नहीं, ये चलेगा यहाँ पे, इतना चल जाएगा, कोई इशू होने वाला नहीं है, दूसरी बार में भर जाएगा। अब मुझे पता नहीं कि मैंने किसका कम निकाला, क्योंकि कई बार ना जब मैं दूध निकाल रहा होता हूँ बाकी सारी काऊ परेशान करती है वहाँ पर, तो उस चक्कर में कम हो गया होगा। फटाफट से मैं अभी सिर्फ ब्लू मोल्ड वाले चीज़ बना रहा हूँ मैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं इसमें एग क्यों नहीं मिला रहा हूँ, एग मिला के क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा उसका रेट मिलता है, उसका रीज़न है कि मैं एग बहुत सारे, देखो अभी मेरे पास क्या होता है कि स्टार्टिंग में 8-10 अंडे होते थे, 15-20 होते थे, और मैं चेक करता था जो फर्टिलाइजर है उनको वहीं रख देता। अभी क्या हो रहा है कि मैं बिना चेक करे रह आता हूँ, रखे यहाँ पर क्या होता है कि यार वो जो एग होते हैं ना वो फर्टिलाइज होकर उनके बच्चे निकल जाते थे, उसकी वजह से फिर से गेम हैंग होने लगता है। मुझे भी नहीं समझ में आता कि चिकन्स में इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई कि गेम हैंग कर दे रहे हैं, बट ऐसा ही हो रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से निकालते हैं ये चीज़ बाहर एक, और उसके बाद से जितना बचा हुआ चीज़ है आज रात निकालते हैं। कल मॉर्निंग होते ही पहला सूरज की किरण पड़ेगी हमारे रेंच पर, हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये लास्ट वाला एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखना। ये है हमारा कार का शोरूम, और मुझे ये भी लेके जाना है साथ में। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी हम लोग लेके चलते हैं, ये वाली गाड़ी, इसमें आ जाएगा ना कूलर? हाँ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है तो इसको लेके चलेंगे। ओके तो अब लेके चलते हैं ये वाली गाड़ी। मुझे गद्दा देखना है कि मेरे गद्दे मैंने कहाँ पर रखे हुए हैं। एक सेकंड, मैंने गद्दा शायद यहाँ पर इसके पीछे रखा हुआ है, हाँ ये, तो ये गद्दा है मेरा, जहाँ मर्जी सो जाओ उसको लेके। लेकिन ये वाली गाड़ी में थोड़ा सा कम स्टोरेज है अभी, क्योंकि मैं सामान कम ही बेच रहा हूँ, तो यार अभी के लिए चले जाए, तो सोने के लिए हम लोग इधर ही सो जाएंगे, या फिर अभी रात होने में टाइम है। तो एक काम करता हूँ, गाड़ी लोड कर लेता हूँ अपनी, एग हटा देता हूँ यहाँ से, एग मैं सुबह ही भरूंगा इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एग ना बच्चे निकल जाते हैं और फिर गेम हैंग होने लग जाती है। तो अभी मैं निकल गया हूँ अपना जो चीज़ मैंने रेडी किया था उसको बेचने बर्गर शॉप में, और देखते हैं कि क्या प्राइस मिलता है। वैसे अच्छा खासा चीज़ का प्राइस मिल जाता है, क्योंकि बड़ा भी होता है और दूध लगता है उसमें काफ़ी सारा, उसके बाद से मोल्ड लगता है, उसके बाद से प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो बहुत अच्छा, मतलब दही के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइस मिल जाता है। और इसमें साथ में एक और ख़ास चीज़ है जो मुझे बेच के देखनी है, अरे गाड़ी मेरी डिसबैलेंस हो जाती थोड़ी सी, और वो चीज़ है कि भाई जो मैंने बनाया था ना रेसिपी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने मीट था जो भी पिक्स का था, पोर्क वगैरह जो भी था, साथ में उसमें एग मिलाया था, और उसके साथ में एक और चीज़ मिलाई थी, और वो था हमारा मिल्क। तो इतना देखो एग की रिक्वायरमेंट थी, बट कोई बात नहीं, वाइल्ड मीट भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, वाइल्ड मीट भी है। तो सबसे पहले एक सेकंड, मिल्क, एग मिल्क सलामी, ये देखो इसका प्राइस मुझे चेक करना था। दो का प्राइस मुझे मिल रहा है मीट बॉल का $99.2, ठीक है, ये इतना मिल रहा है मुझे। और ऐसे ही मैंने एक वो नहीं बनाया था क्या, एक सेकंड, ये एक ही बनाया मिल्क वाला, सिर्फ मिल्क डाल के बनाया था, एग नहीं डाला था तब मैंने, उसका 72। वैसे मीट बॉल का मुझे मिल रहा है 12 का 40, नहीं नहीं 40 पर का मिल रहा है अभी मुझे, 99 मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, देख रहे हो। वैसे एक मीट बॉल का $40 मिलता है, लेकिन अभी जो मैंने रेसिपी बनाई है ना, जैसे एग मिला के, मिल्क मिला के और सलामी मिला के, जबकि मतलब सलामी है जो भी बना हुआ है, तो एग और मिल्क बहुत कम उसमें मिलता है, मतलब एक हो जाता है, एक एग का $8 और मिल्क थोड़ा सा मिलता है, लेकिन प्राइस देखो कितना फ़र्क है, $99 का ऑलमोस्ट ये बिक रहा है। तो सबसे पहले तो ये बेच देते, चीज़ $100 का बिकता है, तो चीज़ के अराउंड का ही है, तो फ़ायदा है क्योंकि टाइम सेम लगता है सब में, तो बनाना चाहिए मुझे। अब यही वाली रेसिपी हम लोग तैयार करेंगे अच्छा खासा पैसा अर्न करने के लिए, है ना, बहुत सही रेसिपी है, दूध का अच्छा खासा यूज़ हो जाने वाला, सारे बिक गए ना, ठीक है। कई बार ट्रैक में नहीं आ पाता, तो बारिश भी लगने वाली है, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, गाड़ी को लेके चलते हैं यहाँ से बाहर। और एक बार हार्डवेयर शॉप में तो नहीं जाना मुझे, वैसे नहीं हार्डवेयर शॉप में नहीं जाना, सीधे चल रहे हैं घर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, देखो कितने हिरन घूम रहे हैं मेरे आसपास। तो मैं पहुँचने वाला हूँ घर, और घर पहुँचने से पहले पहले ही मुझे बाय करना है एक हॉर्स, जिसके स्टैट्स होने वाले हैं सबसे ज़्यादा ख़राब, उसके बाद में उसका करूँगा ट्रेन, फुली ट्रेन करने वाला हूँ। तो आज
हमको रिक्वायरमेंट है एक ऐसे घोड़े की जिसकी मतलब जो हिसाब किताब ही खत्म हो, सबसे सस्ता, सस्ता होगा नहीं होगा कोई इशू नहीं है, बट मेरे को एकदम ख़त्म सारे मेरे को यहाँ पर चाहिए, और किसी में ना हो तो और बेटर है, एक ही में हो तो और बेटर है। ये देखो ये एक है $1100 का, लेकिन तब भी ठीक है यार, स्पीड वगैरह थोड़ा है इसकी, मतलब $1100 का, और ख़त्म चाहिए मुझे हिसाब किताब इसका। ये हैंडलिंग स्टेमिना है $1500 का, नहीं नहीं इतना नहीं, मैं चाहता हूँ कि $1000 के अंडर में मुझे कुछ ऐसा घोड़ा मिल जाए जिसके एकदम ही सारा कुछ ख़त्म हो, एक एक बार हो चल जाएगा, एक भी ना हो और बेटर है। एक ये भी है देखो, मैं मेनली ना इस एक ये भी बाई कर लेते हैं अभी के लिए, बाई कर लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद कौन सा मिलेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ मेनली स्टेमिना, स्पीड और हैंडलिंग के मामले में कि हिसाब किताब थोड़ा सा उसका ज़्यादा ही ख़त्म हो। ये कर लिया, मेरे को एक और बाई करना है, अरे अब नहीं कर सकता भाई, एक और करना है मुझे बाई, मुझे एक और देखना है कि भाई क्या उसका प्राइस मिलता है। मैं वर्स्ट से जितना ख़राब हो सकता है ना वो घोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। ओके तो मुझे एक घोड़ा मिला है जिसका सब कुछ ख़त्म है, हेल्थ अच्छी है, हेल्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि अच्छी बात है। अगर मैं इसको ट्रेन करता हूँ इधर दूर लेके जाता हूँ तो जल्दी जल्दी इसको भूख नहीं लगेगी, शायद यही होता है हेल्थ का। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ख़त्म नहीं मिल सकता यार इसका, ये लोग क्यों ख़रीद रहे हैं, मेरे को महंगा करा रहे हैं, $1700 हो गए। मैं चाहता था कि $1000 के अंदर आ जाए, लेकिन अरे दो रुक जाओ यार, क्यों कर रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ओके तो $1800 में हमको ये वाला घोड़ा, वो ये क्या चीज़ है, अबे ये क्या चीज़ है, अबे यार ये तो कुछ अलग ही है, ये कुछ बहुत ही एपिक है देख रहे हो क्या है, मतलब शिट यार गेम में इतने सारे बग्स हैं ना इसमें। तो ये मेरे दो घोड़े हैं लेकिन मैं इसमें राइड कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके 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 ठीक है। और इसको हम लोग, अरे यार ये जो देखने वाली चीज़ है कि भाई इसका है ही इतना, तो क्या हम इसको ट्रेन करा के एकदम बेस्ट वाला घोड़ा बना सकते हैं, और फिर कंपैरिजन भी होगा। इसकी हेल्थ तो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही है, जो दूसरा वाला है उसका सब कुछ ख़त्म है, हेल्थ अच्छी है। तो ये दो घोड़े मैंने बाय किए हुए हैं, और स्पीड आप देख ही सकते हो कि भाई क्या स्पीड है, ये इसकी स्पीड है इसकी स्पीड ऐसी है। तो इनको मेरे को ना ट्रेन करना है, सबसे पहले इस वाले घोड़े को मैं डालता हूँ यहाँ पर अंदर, इसको लेके चलता हूँ पहले। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है, इधर आ, ठीक है चल तू इधर रुक जा, अब जाके मेरे को लेके आना दूसरा वाला घोड़ा। और बारिश मतलब ऐसे में मज़ा नहीं आता, मेरे कपड़े भीग जाएंगे यार, कोट पैंट पहन रखा है मैंने। तो उस वाले घोड़े को लेके आते हैं, उसके स्टैट्स मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई चेक करने के लिए कि जिस घोड़े का है ही कुछ नहीं उसका क्या मतलब ट्रेन करके क्या होने वाला है। और अगर ऐसा हो गया कि भाई फुल हो गया सारा कुछ एकदम, तो यार मतलब ये तो भाई सीक्रेट हो जाएगा बहुत ख़तरनाक वाला, कि तुम $2000 के अंडर में एक घोड़ा ख़रीदो और उसको बेचो $15000 के अराउंड, अभी तो मतलब पता नहीं कितने का बिकेगा। ये देखो बस इसका सिर्फ हेल्थ बढ़ने वाला है और कुछ नहीं, इसकी स्पीड देखो आप हैंडलिंग वगैरह सब, हैंडलिंग देखते हैं इसके, हैंडलिंग देखते हैं, अबे यार ये मोड़ने में ही पूरे बरस लगा देगा इनको, लेकिन ट्रेन कराना मतलब बहुत बड़ी मेहनत लगने वाली है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, इसको अभी घर ले जाने से अच्छा है मैं थोड़ा सा ना इसको बाहर लेके चलता हूँ, हम लोग थोड़ा आसपास घूम के आते हैं, तो तब तक जंप भी कराते रहेंगे और दौड़ते रहेगा, तो थोड़ी सी इसकी स्टेट्स कंप्लीट होंगे। अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, और जैसे देखो बढ़ रहे हैं, जैसे एक इसका मैं बोर हो जाऊँगा इस काम में लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना है ये काम। तो जैसे इसके स्टेट्स वगैरह, ये वाला जो बार है ना राइट साइड में आपको दिख रहा होगा जो इसकी ट्रेनिंग वाला बार है, एक बढ़ेगा तो मुझे देखना है कि क्या स्टैमिना स्पीड और हैंडलिंग में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा ही है, इसका कुछ भी कुछ नहीं है, तो वो चीज़ देखने वाली बात होगी। इससे ख़त्म घोड़ा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हेल्थ का उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड वगैरह में या फिर चलाने में, उसको राइड करने में थक भी गया बेचारा, स्टैमिना है ही नहीं ना। तो थोड़ी देर में इसको ट्रेनिंग देता हूँ और उसके बाद से आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब इसके स्टैट्स थोड़े से भरने लग जाएंगे तो अपडेट देता हूँ कि चल क्या रहा है इस घोड़े की ज़िंदगी में, क्या आगे कुछ हो पा रहा है, मतलब इस हेल्थ के अलावा, हेल्थ तो फुल है तो फुल बढ़ेगा, उसके अलावा क्या और कुछ चीज़ें भी बढ़ रही है। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, बोर भी हो रहा हूँ, बट कोई नहीं मेरे को करना है। तो मिलते थोड़ी देर में, तब तक के लिए हमको इसको ट्रेन करके एकदम स्ट्रॉन्ग वाला हॉर्स बनाना है। दिखने का भी उतना ख़राब नहीं यार, दिखने का तो खैर अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं। तो मॉर्निंग हो गई है और मेरा जो घोड़ा है मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कर लिया, अभी जाके मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कूलर में जो भी मेरे पास जो सामान रेडी है वो भरना है, उसको बेच के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको घोड़े के स्टैट्स दिखाने वाला हूँ। अभी वो मतलब मैंने उसको पूरा कंप्लीट ट्रेन नहीं किया, क्योंकि ट्रेन होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब एक चीज़ मेरे को ये पता चली कि जो घोड़ा मेरे पास है, क्योंकि वो घोड़ा मतलब सबसे ज़्यादा ख़राब
उसके स्टैट्स थे, तो उसको ट्रेन करने में, मतलब ये लगा लो कि जो एक घोड़े को ट्रेन कर, जो बेस्ट घोड़े को अगर ट्रेन करने में आपको, जो एक उसका ट्रेनिंग बार जितने देर में एक कंप्लीट होता है, तीन कंप्लीट होता है, उतने देर में इसका एक कंप्लीट हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था स्टार्टिंग में। मुझे लगा था कि शायद ये घोड़ा मैं ट्रेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ भी इसका बढ़ नहीं रहा, लेकिन बाद बाद में मुझे पता चला कि हाँ बढ़ रहा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था लेकिन बढ़ रहा है। अभी मेरे पास ना बहुत सारे चीज़ हो रखे, तो इनको फटाफट से बेच के आते हैं, और इसमें जगह तो कम है बट मेरे को भरने पड़ेंगे किसी तरह इसमें। और एक तो अच्छा ठीक है, एक आ गया, फटाफट से इसको भरते हैं, उसके बाद से यहाँ से निकलते हैं। मैंने एग देखो अभी, मैंने यही गड़बड़ होती है, मैंने अभी इनको निकाला था एग्स को कि मैं सुबह बेच के आऊँगा, और अभी अभी देखो इनके सारे बच्चे हो गए, तो यार ये प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से ना थोड़ा थोड़ा गेम हैंग होने लग जाता, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती, लेकिन अब क्या करें हो चुके हैं। तो फटाफट से जो भी बचे हुए चीज़ निकालता हूँ यहाँ से, और इनको फटाफट से रखते हैं गाड़ी में, लोड करते हैं और बेच के आता हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना घोड़ा दिखाता हूँ कि उसकी क्या हालत हो रखी है और वो कितना ज़बरदस्त अभी बन रखा है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बर्गर शॉप में, और थोड़ा सा हैंग हुआ, क्यों हुआ पता नहीं, बट मैंने गाड़ी लगा दी है। यहाँ पर एग की अभी डिमांड नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब भी मैं जो चीज़ लाता हूँ उसकी होती नहीं, मुझे वैसे रख लेना चाहिए यहाँ पर चीज़ें, बट कोई बात नहीं। हमारे पास 336 एग थे, वो मैंने बेच दिए, ये बेच दिया, और ये 12 का बिक रहा है, एक 52 का, मतलब $12 एक्स्ट्रा सिर्फ थोड़ा सा दूध मिलाने से, वरना ये बिक रहा था $40 का। तो ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब हम लोग अगर दूध और अंडा एक साथ मिलाएं तो अच्छा खासा प्राइस मिल जा रहा है। अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर, मैं दिखाता हूँ आपको अपना वाला घोड़ा, और उसको ट्रेनिंग होने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आपको पूरे उसके स्टैट्स फुल करके, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको ट्रेन करने में। चलो ठीक है, गाड़ी लगा दी मैंने, अब चलते हैं घोड़े के पास। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मर न जाए, क्योंकि उसकी हेल्थ, मतलब खाना ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, बट ऐसा कुछ नहीं है, घोड़ा हमारा सही सलामत है। मैं एक आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले घोड़े में बैठते हैं। देखो दोनों घोड़े सेम कलर के आए यार, पता नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ कि उस घोड़े को मैं बेच दूँ, और ट्राई करूँगा अगर उससे वॉश घोड़ा मिले, वैसे ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि हेल्थ का हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो देखो तीसरा इसका जो मैं क्या करा रहा था ना, देखो मैं इसको ये ऐसे लेके जा रहा था, और यहाँ से इसको मैं करा दे रहा था यहाँ पे जंप, ठीक है। और अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं मतलब इसको, क्योंकि इसका कंप्लीट होने वाला, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी कंप्लीट हो जाएगा शायद पता नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ इसके स्टैट्स। अभी तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तीसरा अभी होगा कंप्लीट, तब जाके इसका बार बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ देखो, स्टैमिना और स्पीड और हैंडलिंग भी इसकी बढ़ रही है, मतलब ये चीज़ मुझे लगा नहीं था कि ये बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम लोग इसको ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ये घोड़े से हमको मतलब प्रॉफिट होने वाला है, और अगर हम लोग ऐसे ही घोड़े लेके उनके स्टैट्स फुल करते रहें तो शायद कुछ कमाल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसके जो स्टैट्स हैं वो बढ़ जाए, मतलब और ज़्यादा बढ़े, मतलब फुल भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसको पूरा ट्रेन कराऊंगा, तब तक मैं इसको, और उसके बाद से हम इसको बेचेंगे और देखेंगे कि कितना फ़र्क आ रहा है, और इसकी स्पीड में, और जो हमारा एकदम बेस्ट वाला घोड़ा है जो उस वाले एरिया में आपको दिख रहा होगा, अभी दिख नहीं रहा यहाँ से, उसका जो प्राइस है वो कितना है, उसको तो मैं बेच दूंगा, कि उसके स्टैट्स थोड़े बहुत हैं। मैं चाहता हूँ एकदम ख़त्म वाला मेरे को मिले, तो ये हो वो घोड़ा है जिसका एकदम ख़त्म है, हेल्थ के अलावा सब कुछ एकदम इसका ख़त्म ही है। तो आज के एपिसोड करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।